नमस्कार भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है मैं हूं हरिशंकर कुमार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा दाव खेला है अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से चुनाव लड़ेंगे बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी हां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है इस गठबंधन के तहत कांग्रेस को सत्रह लोकसभा सीट मिली है इन सत्रह सीटों में से तेरह सीटों पर पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है जबकि चार सीटों पर पार्टी में मंथन अभी तक जारी है सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार राज्य में कुछ नया प्रयोग करने की तैयारी कर रही है दरअसल यूपी की मथुरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को अपना उम्मीदवार बनाया है वो लगातार दो बार इस सीट पर चुनाव जीत चुकी हैं इस बार हेमा मालिनी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही हैं वहीं कांग्रेस इस सीट पर कुछ नया प्रयोग करने की तैयारी कर रही है विजेंद्र सिंह के नाम पर मंथन सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस सीट से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को चुनाव लड़वा सकती है हालांकि अभी उनके नाम पर पार्टी में मंथन जारी है सूत्रों की माने तो इस सीट पर कुछ और नाम रेस में बताए जा रहे हैं लेकिन सबसे आगे विजेंद्र सिंह का नाम चल रहा है गौरतलब है कि कांग्रेस ने बीते 28 मार्च को यूपी के उम्मीदवारों की सूची जारी की थी तब कांग्रेस ने गाजियाबाद से डॉली शर्मा को उम्मीदवार बनाया था इसके अलावा महाराजगंज के विधायक वीरेंद्र चौधरी सीतापुर से नकुल दुबे और बुलंदशहर से शिवराम को टिकट दिया था आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीते 23 मार्च को ही यूपी के नौ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी जिसमें पार्टी ने वाराणसी से अजय राय को पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था हालांकि कांग्रेस ने राय बरेली और अमेठी को लेकर खुलासा नहीं किया है मथुरा सीट को लेकर अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि हेमा मालिनी के खिलाफ बॉक्सर विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे लेकिन आगे अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है इस पर मंथन फिलहाल कांग्रेस में जारी है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार